हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम आपको एलिमेंट की दुनिया में ले चलने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, उनमें मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कितने हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं या कितने एलिमेंट हमें ज्ञात हैं। तो अभी तक हमें जितने भी एलिमेंट नोन हैं उनकी संख्या है 118 एलिमेंट्स हमें नोन हैं, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये 118 एलिमेंट, पहली कैटेगरी है मेटल की, जिन्हें हम धातुएं भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है मेटलायड की, मतलब ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तीसरी कैटेगरी है नॉन मेटल। तो पूरे 118 एलिमेंट जो हमें नोन है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। मेटल धातुएं, मेटलायड अधातु और धातु दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, और नॉन मेटल जिन्हें हम कहते हैं अधातुएं, जो धातुएं नहीं हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मेटल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पूरे 118 एलिमेंट में लगभग 92 एलिमेंट जो हैं ये हैं मेटल, और 6 to 7 एलिमेंट जो हैं ये हैं मेटलायड। बाकी जितने बचते हैं 20 to 21 ये हैं नॉन मेटल्स। तो इस तरह से 118 एलिमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल, मेटलायड और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस, जिसे हम हिंदी में कठोरता भी कहते हैं। इन जनरल जितनी भी मेटल्स होती हैं, मतलब 92 मेटल्स, ये मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है कि जिसे हम बल लगाकर कंप्रेस ना कर सकें या दबा ना सकें। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसको हम बल लगाकर दबा नहीं सकते, तो ये है हार्ड। तो ऐसी कोई चीज़ जिसे हम फोर्स अप्लाई करके प्रेस ना कर सकें, दबा ना कर सकें या उसका शेप चेंज ना कर सकें, उसे हम कहते हैं हार्ड। तो इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर हार्ड, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन के रूप में ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन मेटल ऐसी हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, गुथे हुए आटे की तरह सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, नहीं तो इनके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं सब हार्ड होती हैं, उन्हें हम बल लगाकर, फोर्स लगाकर प्रेस नहीं कर सकते। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीट्स। मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उन्हें थिन सीट, पतली पतली चादरों के रूप में पीट कर बदला जा सकता है, उसे हम कहते हैं मेलेबिलिटी। आप देखे होंगे एल्युमिनियम के ट्रंक, बॉक्स, कंटेनर, लोहे के बॉक्स, कंटेनर, लोहे की पतली पतली चादरें बनाई जाती हैं मेलेबिलिटी के कारण। तो मेटल की गोल्ड, सिल्वर, ये सब देखे होंगे, उसकी बहुत पतली पतली सीट या फॉयल बनाई जा सकती है, तो वो मेलेबिलिटी के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इन्हें खींच कर तार बनाया जा सके, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जितनी भी मेटल हैं सब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जितनी भी मेटल हैं सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्यों है? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं के मोशन के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। जितनी भी मेटल होती हैं वो इन जनरल हीट को भी अपने अंदर से आसानी से जाने देती हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होती हैं जितनी मेटल होती हैं। और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं कर्नल ऑफ एटम। तो कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स शो करते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक लस्चर। मेटालिक लस्चर का मतलब होता है कोई भी मेटल होती है उसमें स्पेसिफिक शाइनिंग होती है। शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्चर। तो जितनी भी मेटल होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक चमक होती है जिसे हम कहते हैं मेटालिक लस्चर। लेकिन जब हम मेटल को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो मेटालिक लस्चर गायब हो जाती है, मेटल फेड हो जाती है, मेटल की चमक कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो सभी प्रकार के मेटल में रस्टिंग होती है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को खुला छोड़ दीजिए तो एल्युमिनियम डल वाइट हो जाता है, उसकी वाइटनेस डल हो जाती है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। और होता क्यों है? एल्युमिनियम जो है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिससे एल्युमिनियम की परत सरफेस जो है वो डल दिखती है। कॉपर है, कॉपर प्योर कॉपर होता है रेड ब्राउन कलर का, लेकिन जब हम उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर की रस्टिंग में ये क्या करता है, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके, कॉपर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है, वाटर है, इससे रिएक्शन करता है कॉपर तो बनाता है हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट, इसी को हम कहते हैं रस्ट ऑफ कॉपर। और ये लेयर कॉपर के ऊपर बन जाती है जिसके कारण कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो उसका जो प्योर शाइनिंग है वो डिम हो जाती है। सिल्वर है, सिल्वर की ज्वेलरी आप पहनते होंगे, देखे होंगे, तो सिल्वर कुछ दिन में काली हो जाती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, इसलिए सिल्वर की ज्वेलरी जो है कुछ दिन में ब्लैक हो जाती है। सेम यही कंडीशन सोने के साथ भी होता है, सोना भी हवा में खुला रखने पर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सोने का सल्फाइड बनाता है जिसका कलर होता है ब्लैक, तो सोने की ज्वेलरी भी कुछ दिन में डिम हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हैमर्ड। जब हम किसी मेटल को हैमरिंग करते हैं तो उससे साउंड निकलती है, उसी को हम कहते हैं सोनोरोसिटी। मंदिर में टंगे हुए घंटियों को आप देखे होंगे, जब आप उसको बजाते हैं तो उससे साउंड निकलती है। तो मेटल से साउंड प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है मेटल के अंदर उसी को हम कहते हैं सोनोरोसिटी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेटल्स हार्ड होती हैं, बहुत कम्पैक्ट होती हैं कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मेटल को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टंगस्टन है, बल्ब का फिलामेंट बल्ब के अंदर लगा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस 3300 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल हैं जिनको हम हथेली पर रख दें तो वो मेल्ट कर जाती हैं। ऐसी मेटल हमारी गैलियम और सीजियम, दो ऐसी मेटल हैं, ये एक्सेप्शन है। इनको हम अपने हथेली में रखेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये हथेली में रखने पर पिघलने लगती हैं। तो गैलियम एंड सीजियम आर टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन वी कीप देम इन आवर पॉम ड्यू टू दी आवर बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे 118 एलिमेंट नोन हैं, इसमें से 92 के आसपास है मेटल। तो 118 एलिमेंट्स में से ऐसे एलिमेंट नियर अबाउट 92 जो इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स, और
जो इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं शो करते उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल के बीच में भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉयड। तो ये है मेटलॉयड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टाटीन, ये हैं मेटलॉयड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टाटीन, ये ऐसे एलिमेंट हैं 118 में से, टोटल नॉन एलिमेंट में से, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो मेटल प्लस ये, इनके अलावा जितने हैं 20 to 21 सब हैं नॉन मेटल, जैसे हमारा ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब हैं हमारे नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल के द्वारा ही शो की जाती है, लेकिन कुछ नॉन मेटल भी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे हमारा कार्बन है। कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, जो कि बना होता है कार्बन से। ये नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेयर बाय लेयर का स्ट्रक्चर होता है उसका, एक लेयर दूसरे पे सेट होती है, तीसरे पे सेट होती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है लेयर के बीच में मूव करने के लिए। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसलिए ग्रेफाइट एक नॉन मेटल कार्बन से बना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है फिर भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन के क्रिस्टल स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, तो उसमें भी विशेष तरह की चमक होती है, जबकि लस्ट्रस प्रॉपर्टी केवल मेटल में होती है। तो ये हैं कुछ एक्सेप्शन। तो आज हमने सीखा मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़।